Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Abhi Chakma. Hope you all are well and good. तो guys, अभी summer signings ख़त्म हो चुका है तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा top 10 summer signings जो बहुत अच्छा signings रहा है. तो ऐसा top 10 में कौन कौन सा players है तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो गाइस, अगर हम सबसे पहले टॉप 10 प्लेयर का बात करने से तो टॉप 10 में आता है लुइस हॉल, जो चेल्सिया से ट्रांसफ़र हुआ है न्यूकैसल यूनाइटेड में, लोन में ट्रांसफ़र हुआ है. और ये जो लुइस हॉल है ये सिर्फ 19 इयर्स का है और ये एक मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है और ही हैज़ द एबिलिटी टू प्ले बॉक्स टू बॉक्स. और उसके बाद अभी न्यूकैसल विल पे अप टू 35 मिलियन पाउंड टू मेक द ट्रांसफ़र परमानेंट एट द एंड ऑफ द सीज़न. तो ये एक बहुत अच्छा साइनिंग है न्यूकैसल यूनाइटेड के लिए. और टॉप 9 का बात करने से टॉप 9 में आता है जेम्स वार्ड प्रोस, जो साउथैम्पटन से ट्रांसफ़र हुआ है वेस्टर्न यूनाइटेड में फॉर 30 मिलियन पाउंड. और अभी जेम्स वार्ड प्रोस 28 ईयर्स का है और ये एक मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है. और इसके बाद अगर हम इसका रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करने से फॉर वेस्टर्न यूनाइटेड, जेम्स वार्ड प्रोस ने स्कोर किया है 1 गोल अगेंस्ट ब्राइटन और 3 असिस्ट किया है. और उसके बाद अगर हम बात करने से जेम्स वार्ड प्रोस का, ये इंग्लैंड के लिए खेलता है बट अभी ये ट्रांसफ़र ये इंटरनेशनल ब्रेक है तो इंटरनेशनल ब्रेक में इट इज़ एक्सट्रीमली अनलकी दैट जेम्स वार्ड प्रोस को इंग्लैंड स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. टॉप 8 का बात करने से टॉप 8 में आता है मैटियो कोवाचिच, जो चेल्सिया से ट्रांसफ़र हुआ है मैनचेस्टर सिटी में फॉर 25 मिलियन पाउंड. और मैटियो कोवाचिच अभी 29 ईयर्स का है एंड सभी को पता होगा कि वो मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है और वो एक क्रोशियन प्लेयर है. और अभी मुझे लगता है कि मैटियो कोवाचिच इसलिए ट्रांसफ़र हुआ है मैन सिटी में क्योंकि जो मैन सिटी में जो पेप गार्डियोला का जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसमें फिट होता है, इसलिए ट्रांसफ़र हुआ है. और वो एक बहुत अच्छा मिडफील्डर है, सभी को पता होगा. और वो काउंटर प्रेसिंग बहुत अच्छा है, ही इज़ गुड एट बॉल रिटेंशन, बॉल कंट्रोल. तो मैन सिटी ने सिर्फ 25 मिलियन पाउंड में इसको चेल्सिया से खरीदा है तो इट इज़ अ वेरी गुड साइनिंग फॉर मैन सिटी. टॉप 7 का बात करने से टॉप 7 में आता है मोहम्मद कुद्दूस, जो अजाक से ट्रांसफ़र हुआ है वेस्ट हैम यूनाइटेड में फॉर जस्ट 38 मिलियन पाउंड. और उसके बाद अगर हम मोहम्मद कुद्दूस का बात करने से, वो अभी सिर्फ 23 ईयर्स का है और वो गाना इंटरनेशनल के लिए खेलता है और ये एक मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है. मोहम्मद कुद्दूस शाइन इन द एडी डिवाइस. और उसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है गाना के लिए. और वेस्ट हैम यूनाइटेड ने लास्ट सीजन का प्रीमियर लीग में 14 में फिनिश किया है, इवन दो आजस का जो बेस्ट प्लेयर है उसको सिर्फ 38 मिलियन पाउंड में साइन करना तो वो एक बहुत बड़ा बात है इन टूडेज मार्केट. तो एक बहुत अच्छा साइनिंग है फॉर वेस्ट हैम यूनाइटेड. टॉप 6 का बात करने से टॉप 6 में आता है जेफरसन लर्मा, जो AFC बोर्नमाउथ से ट्रांसफ़र हुआ है क्रिस्टल पैलेस में फॉर फ्री. और जेफरसन लर्मा का बात करने से, वो 28 ईयर्स का है और वो एक मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है और वो एक कोलंबियन इंटरनेशनल प्लेयर है. तो AFC बोर्नमाउथ से क्रिस्टल पैलेस में फ्री में ट्रांसफ़र हुआ है तो ऐसा एक अच्छा मिडफील्डर्स फ्री में मिलना एक बहुत बड़ा बात है. और स्टेटिस्टिकली जेफरसन लर्मा इज़ ऑलरेडी होल्डिंग अगेंस्ट टॉप मिडफील्डर्स लाइक कैसेमिरो, रोड्री एंड डेकन राइस. टॉप 5 का बात करने से टॉप 5 में आता है डोमिनिक ज़ोबोस्लाई, जो आरबी लाइप्ज़िग से ट्रांसफ़र हुआ है लिवरपूल में फॉर 60 मिलियन पाउंड. और डोमिनिक ज़ोबोस्लाई अभी सिर्फ 22 ईयर्स का है और वो एक हंगरी इंटरनेशनल प्लेयर है और वो एक मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है. और अभी लिवरपूल का जो जोगन क्लॉप है उसका स्टाइल ऑफ प्ले में वो डोमिनिक ज़ोबोस्लाई परफेक्टली सूट करता है. और डोमिनिक ज़ोबोस्लाई का बात करने से, वो एक बहुत अच्छा मिडफील्डर्स है, ही इज़ ए प्ले मेकर और एक बहुत एनर्जेटिक प्लेयर है और ही इज़ टेक्निकली इमेंस विद बोथ फीट. उसके बाद अगर हम बात करने से, अभी लिवरपूल 4 मैचेस खेल चुका है प्रीमियर लीग का और सेकेंड और थर्ड मैचेस में अगेंस्ट बोर्नमाउथ बोलो या अगेंस्ट न्यूकैसल यूनाइटेड, तो वो दोनों मैच में लिवरपूल प्लेड 10 मैन, एक रेड कार्ड मिला था दोनों मैच में, एक प्लेयर्स को रेड कार्ड मिला था. सबसे पहले तो जब AFC बोर्नमाउथ में का साथ खेला था उसमें एलेक्सिस मैकलिस्टर को रेड कार्ड मिला था, उसका सिर्फ 10 प्लेयर्स ही खेलने मिला है. और उसके बाद अगर न्यूकैसल यूनाइटेड का बात करने से उसके साथ, तो सेम जेम्स पार्क में भी जब हाफ एन आवर के पहले ही वैन डाइक को रेड कार्ड मिला था
तो मतलब एएफसी बॉर्नमाउथ और न्यूकैसल यूनाइटेड दोनों का मैच में रेड कार्ड मिला था, तो लिवरपूल सिर्फ 10 मैन के साथ खेला है। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है डोमिनिक ज़ोबोस्लाई का, क्योंकि उसका जो वर्क रेट था बहुत अच्छा था। शायद अगर वो डोमिनिक ज़ोबोस्लाई नहीं खेला होने से तो शायद लिवरपूल वुड हैव लॉस्ट द मैच और लिवरपूल का अनबीटन रन वहीं ख़त्म हो जाना था। तो लिवरपूल के लिए ये एक बहुत अच्छा साइनिंग है डोमिनिक ज़ोबोस्लाई। और टॉप फोर प्लेयर का बात करने से टॉप फोर में है मौसा दियावी, जो बुंडेसलीगा का क्लब से बेयर लेवरकुसेन से ट्रांसफ़र हुआ है एस्टन विला में फॉर 34.6 मिलियन पाउंड। और ये मौसा दियावी जो सिर्फ अभी 24 इयर्स का है और ये एक फ्रेंच इंटरनेशनल प्लेयर है और ये अटैकिंग पोजीशन में खेलता है। तो एस्टन विला मौसा दियावी को साइन करने से पहले एस्टन विला का कंपटीशन था सिर्फ सऊदी अरेबियन क्लब से, जो मौसा दियावी को साइन करना चाहता था, लेकिन थैंकफुली मौसा दियावी ने राइट डिसीजन लिया और ही ज्वाइन प्रीमियर लीग क्लब एस्टन विला। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था मौसा दियावी के लिए। तो और मौसा दियावी का बात करने से अभी 4 मैच खेल चुका है, 4 मैचेस में अभी 2 गोल स्कोर किया है और 1 असिस्ट किया है फॉर एस्टन विला। तो ये एक अच्छा स्टेट है फॉर अटैकिंग अटैकर। तो एस्टन विला के लिए एक अच्छा साइनिंग है, तो आई थिंक मौसा दियावी विल प्ले ए ग्रेट रोल इन एस्टन विला। टॉप थ्री का बात करने से टॉप थ्री में आता है डेक्लन राइस, जो वेस्ट हैम से ट्रांसफ़र हुआ है आर्सेनल में फॉर 100 मिलियन पाउंड। और अभी डेक्लन राइस अभी 24 इयर्स का ही है और एक इंग्लैंड इंटरनेशनल प्लेयर है और मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है। तो डेक्लन राइस का बात करने से डेक्लन राइस खेलता है डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में और ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज एथलेटिज्म, टैकलिंग एंड बॉल कैरिंग एबिलिटी। और अभी डेक्लन राइस आर्सेनल के लिए फर्स्ट गोल भी स्कोर कर चुका है और ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब एट आर्सेनल। तो आर्सेनल के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस था, तो इट इज़ ए गुड साइनिंग। सेकेंड का बात करने से सेकेंड में आता है एलेक्सिस मैकलिस्टर, जो ब्राइटन से ट्रांसफ़र हुआ है लिवरपूल में फॉर 35 मिलियन पाउंड में। और अभी मैकलिस्टर अभी 24 इयर्स का ही है और वो एक अर्जेंटीन इंटरनेशनल प्लेयर है जो मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है। तो एलेक्सिस मैकलिस्टर इज़ अनदर प्लेयर जो जर्गन क्लॉप का स्टाइल ऑफ प्ले में परफेक्टली सूट करता है मिडफील्ड पोजीशन में। और अभी एलेक्सिस मैकलिस्टर का बात करने से लास्ट सीजन में ब्राइटन में जब खेला था, ब्राइटन को हेल्प किया है यूईएफए यूरोपा लीग क्वालिफाई होने के लिए और लास्ट सीजन ब्राइटन ने 6th पोजीशन में फिनिश किया था। और वर्ल्ड कप जीतने में भी बहुत हेल्प किया है अर्जेंटीना टीम को। और उसके बाद उसका इंडिविजुअल क्वालिटी का बात करने से वो बॉल कैरिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, उसके बाद फुल ऑफ एनर्जी है, उसके बाद वो गोल स्कोर करने में या फिर असिस्ट करने में भी बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइनिंग है लिवरपूल के लिए। तो लिवरपूल का समर साइनिंग्स का बात करने से टोटल अभी 4 मिडफील्डर साइन कर चुका है। तो 4 मिडफील्डर से 2 ज़ोबोस्लाई और मैकलिस्टर हो गया, उसके बाद और वाटरो एंडो जो स्टुटगार्ट का प्लेयर था तो वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है लिवरपूल के लिए। तो वाटरो एंडो को 20 मिलियन पाउंड में साइन किया है। और एक जो बुंडेसलीगा का क्लब बायर्न म्यूनिख से साइन किया है रायन ग्रेवेनबर्ग, जो 35 मिलियन पाउंड में साइन किया है। तो ओवरऑल 4 मिडफील्ड को ऐड करके टोटल होता है 150 मिलियन पाउंड। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस था लिवरपूल के लिए। और लास्ट प्लेयर यानी कि जो टॉप वन प्लेयर का बात करने से टॉप वन में आता है जेम्स मेडिसन, जो लेचेस्टर सिटी से ट्रांसफ़र हुआ है टोटनहम में फॉर 40 मिलियन पाउंड। और ये अभी जेम्स मेडिसन अभी 26 इयर्स का है और ये एक इंग्लैंड इंटरनेशनल प्लेयर है और मिडफील्ड पोजिशन के लिए खेलता है। जेम्स मेडिसन अभी टोटनहम के लिए 2 गोल स्कोर कर चुका है और 2 असिस्ट किया है फॉर टोटनहम आफ्टर प्लेइंग 4 मैच। और टोटनहम लास्ट सीज़न में 8th पोजीशन में फिनिश किया था, दैट मीन्स ये सीज़न का कोई भी यूरोपियन कॉम्पिटिशन में कम्पीट नहीं करेगा। तो लेकिन ये सीज़न में जैसे प्रीमियर लीग स्टार्ट किया है टोटनहम ने, आई थिंक दे आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर यूईएफए चैम्पियंस लीग फॉर नेक्स्ट सीज़न। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी जब प्रीमियर लीग प्रिडिक्शन का बात किया था तो मैंने टोटनहम को टॉप 4 के अंदर में डाला था, क्योंकि द वे दे स्टार्टेड दिस सीज़न और द वे दे आर परफॉर्मिंग इन दिस सीज़न इज़ समथिंग वेरी रियली स्पेशल। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइनिंग था टोटनहम के लिए।
तो गाइस ये था टॉप 10 समर साइनिंग्स। तो टॉप 10 से आपको कौन सा समर साइनिंग्स बहुत अच्छा लगा है प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस फिर मिलते हैं आने वाला वीडियोज़ में। टिल देन गाइस स्टे सेफ एंड सी यू सून।